अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर फ्रेंड्स सभी ब्लॉग्स। तो ईद के लिए फिर से आ गए हम लोग कारपेट धोने के लिए। बीच में भी हमने धोया था पर उसका ब्लॉग्स नहीं बनाया था, तो सोचा ठीक है आज ईद की साफ़ सफाई है तो इसलिए थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो कारपेट में पानी डाले जा रहे हैं, फिर सर्फ डालेंगे, फिर उसको क्लीन करेंगे। और बच्चे यहाँ पर पानी के साथ खेल रहे, देखिए इनायक रायन, इनायक और रायन को पानी में खेलना बहुत पसंद है। हाँ कुछ कारपेट बनने का वर्जन थोड़ा सा मतलब बहुत अंधेरा है। हम लोग बाहर घूमने के लिए आए हैं ऐसे ही एक राउंड गाड़ी में। बारिश का मौसम है तो इन्हें पहले बहुत बारिश हो रही थी, अभी रुका है। तो हम लोग ऐसे ही कमरे के पास आए हैं। और कहाँ जा रही ऐसे ग्राउंड पास में आयन और इनाया पीछे है। आयन इनाया देखो यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहा है, यहाँ पे दिखाती हूँ, रास्ता दिखा देती हूँ। Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más, ay, ay. A través de la gran oscuridad. Hasta que me convierta en rayos y más allá. ईद की सफाई हो रही है, देखिए। तो ये कर रहे हैं, इन्होंने पहले फैन साफ किया, फिर अभी ये, फिर जो ड्रेसिंग टेबल है वो सब साफ किया इन्होंने। मैं खाना बना रही हूँ दोपहर के। इसके बाद क्या काम है? उसके बाद पूरे घर में मकड़े के जाले हैं वो साफ करने हैं। ये देखा है पहले, इना यहाँ पे है। मैं स्कूल गई थी पर स्कूल बंद था आज। जाने के बाद पता चला हमें, फिर वापस आ गए थे हम लोग। आयन का एक क्लास खत्म हुआ है तो इसको दिया है थोड़ा सा होमवर्क, तो वो करेंगे। करने के बाद 4 बजे से फिर से क्लास है, फिर 5 बजे से अरबी क्लास है। और मैं यहाँ पे भिंडी काट रही थी तो भिंडी की सब्ज़ी और ड्रमस्टिक का सांभर बनाऊँगी दोपहर में। कल से वैसे भी नॉनवेज खाना है, मटन खाना है ना, मटन चिकन सब कुछ खाना है। एक राइम सुनाओ ना बाबा ब्लैक शिप, एक एक जल्दी छुपा सुप दूंगी, बोलो। हाँ ठीक है, बोलो बोलो। बा हाँ, और बाबा ब्लैक शिप, एंड वन फुटर गुड गर्ल। हाँ यानी एक छुपा सुप निकाल के हाफ उसको दो, हाफ तुम ले लो, हाफ हाफ एक ही। झोल देखिए कितना गिर रहा है, मोबाइल में ही पता चल रहा है। जो नीचे का घर है ना उसमें धूल बहुत ज्यादा होता है। कैसा लग रहा है आपको काम करके? अच्छा, मजा आ रहा है साफ सफाई में। साफ सफाई वाली घर साफ रखना तो किसे पसंद नहीं है, मजा आ रहा है। इस रूम की तो सफाई ऑलमोस्ट हो ही हुई है, बस ये रूम की है, ये रूम मामा की है बस।
तो यहाँ पे कद्दूकस कर रहे हैं मावा को। तो आज बनाए जाएंगे गुलाब जामुन, क्योंकि कल है ईद। ईद मुबारक सबको। हाँ, अब सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। चांद निकलने में अभी और एक घंटा है, 7 बजे है मगरिब का अजान, तो अभी 6 बज रहे, पूरा 1 घंटा है। मैंने आईब्रोज भी करके आ गई मैं अभी थोड़ी देर पहले। खूबसूरत लग रही है। खूबसूरत ज्यादा नहीं लिया है आईब्रोज का, कितना लिया है? 50,000? नहीं, 50 रुपए। आईब्रोज इतना तो फेंसिंग वाला भी नहीं लेता होगा। महीने में एक ही बार करते हैं ना, तो ऐसे भी ऐसी खूबसूरत लगती है। अच्छा, क्यों करती हो आईब्रोज? झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, ये बोलते ही नहीं है कभी भी। जिस दिन भी मैं रेडी होती हूँ, कहीं पे भी, ईद का हो, त्योहार हो, बर्थडे हो, कभी भी ये मेरे तारीफ नहीं करते। जो कहूँगा मैं सच कहूँगा, सच की सेवा कुछ नहीं। हाँ, कभी भी नहीं बोलते ये, आज बोला है। हाँ, यहाँ अभी नहीं, कल। तो इन लोगों की मिठाई की खुशबू आ रही है फ्रिज से, इसलिए लोग। हाँ, आज से नहीं, कल से खाना है, कल से अटैक करना। ठीक है, देखिए इसको नाटक, देखिए नाटक, नाटक बनाओ, कैसे बनाते, मुंह बनाओ, अभी बनाया ना। तो आज बनेगा स्पेशल नारियल का लड्डू। हमेशा नारियल लड्डू नहीं बनता ना। इस बार बनेगा, इस बार बनेगा, कोई अलग स्टाइल बनेगा नारियल के लड्डू। वैसे भी बना लो। हाँ, बता दो सब सीक्रेट, सारे स्कीम बता दो सबको। बता दो, बता दो, ताकि सब बना सकें और खा सकें मीठा। एकदम आसान है, इजी है। हाँ, मेहनत बहुत लगती है। बाहर बाहर जम के बारिश हो रही है और ये पसीने पसीने हो रहे हैं अंदर। फैन का स्पीड, फैन स्पीड करवाए। आज घर बहुत साफ साफ लग रहा है, इसने मेहनत से साफ किया है। इस तरफ गुलाब जामुन के लिए लड्डू बना के रख दिया है, इसको फ्राई करना है, टेबल को क्लीन करना है, इनाय को मेहंदी लगाना है, झटपट मेहंदी। इस तरफ चाय रख दिया है, तो बारिश की आवाज़ सुनिए आप लोग, बारिश देखिए ना, बारिश हो रहा है बाहर, जम के बारिश हो रही है। गुलाब जामुन बना रही हूँ, इसमें मैंने साफनी बना के रख दिया था। गुलाब जामुन ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं, इसे भी फ्राई कर लूँगी, हो गया लास्ट है। इसके बाद नारियल का लड्डू बनाऊंगी। ये लोग बैठ के देख रहे हैं, शक्तिमान पूरा किचन गंदा है, तो पहले मैं नारियल का लड्डू बना लूँगी, उसके बाद पूरा किचन साफ करूँगी। तो रात को थोड़ा सा ड्रमस्टिक का सांभर है और रोटी बना लूंगी, तो हो जाएगा उसके साथ, थोड़ा सा मछली फ्राई कर लूंगी, रात को ये हो जाएगा खाने में। और रात को जल्दी सो के बच्चों को भी जल्दी सुलाना है, फिर जल्दी उठना है। साढ़े 6 बजे है नमाज यहाँ पर हमारी। इना यहाँ पे दिखा रही है अपने आप को, चलो खेलो यहाँ पे, गैस के पास मत आओ गरम नहीं आया। तो ईद के लिए लग रही है मेहंदी हाथों में। ये है इनाया की मेहंदी जो उसकी मम्मी लगा रही हैं। इनाया, कैसी है मेहंदी? अच्छा है। अच्छा है, तो अभी तो फिलहाल लगी हुई है, सूखी नहीं है मेहंदी। हाँ, और ये थोड़ी झटपट मेहंदी है, थोड़ी सी रेडीमेड टाइप, जल्दी लग जाती है और उस तरह जल्दी निकल भी जाती है। तो आपको बाद में पूरा डिज़ाइन दिखाएंगे दोनों हाथों का। तो ये है इनाया की मेहंदी जो अब रेडी है लग के, क्योंकि ये झटपट मेहंदी थी
तो ये फटाफट से लग चुकी है देखिए। उसको लगाने के बाद थोड़ी देर बाद धुलाया ना, तो इसलिए थोड़ा डार्क कलर आया। दिखाओ दोनों हाथ, दिखाओ ऐसे दिखाओ। हाँ तो इनकी मेहंदी भी लग के रेडी है, एकदम रेडीमेड मेहंदी। ये थोड़ी अलग है गए सालों से। हाँ, पर अच्छा नहीं है। हाँ, काला हो गया है और कुछ पसंद ही नहीं है। लेके आए थे नॉर्मल मेहंदी भी, पर वो कलर नहीं चल रहा था, दो लेके आए थे। पर मैंने सोचा ठीक है छप्पर वाला लगा लेती हूँ इस साल, तो नहीं ये भी नहीं रहा था, पूरा काला हो गया एकदम। इनाम अपनी मेहंदी दिखाओ। हाँ तो इसकी मेहंदी का ये फर्स्ट एंड लास्ट, कभी भी नहीं लगाएंगे अभी इसके बाद। और इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म करेंगे। आप सभी को हमारी पूरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। दुआ में याद रखिए, घर में रहिए, घर में ईद मनाइए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।